अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। दरअसल साल 1996 में रिलीज हुई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में रेखा, रवीना टंडन और अक्षय कुमार साथ में नजर आए थे। तब रवीना और अक्षय के बीच सीक्रेट डेटिंग चल रही थी और दोनों ने कई सारी फिल्मों में एक साथ काम किया था। दोनों के बीच साल 1995 से डेटिंग शुरू हुई, लेकिन वो इसे पब्लिकली नहीं बताना चाहते थे। और ये सब शुरू हुआ था 1994 में आई फिल्म मोहरा से। साल 1996 में अफवाह उड़ी कि रेखा और अक्षय कुमार के बीच रोमांस चल रहा है। स्टारडस मैगजीन कवर पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में रवीना का ये बयान छपा था कि मैंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रंगी हाथों पकड़ा था। हालांकि बाद में रवीना ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा, बल्कि अक्षय तो रेखा से पीछा छुड़ाकर भागना चाहते थे। रवीना ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि 90 के दशक के आखिर में अक्षय और उनकी सगाई भी हो गई थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं लगता था कि अक्षय का कभी भी रेखा से कोई लेना देना हो सकता है। रवीना ने तो ये भी कहा कि सच तो ये है कि उनसे दूर भागते थे और केवल फिल्म की वजह से ही अक्षय ने रेखा को झेला था। रवीना ने तो आगे ये भी कहा था कि एक समय पर रेखा अक्षय के लिए घर से लंच का डब्बा लाना शुरू कर दिया था और इसके बाद ही रवीना ने ये कहते हुए झंडा गाड़ दिया कि ये चीजें सब कुछ ज्यादा आगे चली गई। इसके बाद कई साल तक डेट करने के बाद अक्षय और ट्विंकल खन्ना ने साल 2001 में शादी कर ली। नेक्स्ट टाइम लाइफ की रिपोर्ट।